इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं IFC स्टॉक के बारे में, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इस साल, मतलब पिछले 2-3 सालों में। इस स्टॉक ने लगभग तो परफॉर्मेंस कुछ दिया ही नहीं, जब से IPO आया उसके बाद से ही लगातार डाउन ट्रेंड में रहा है। लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज मार्केट में ट्रेंड होते हुए दिख रही है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने से पहले लगभग 8500 करोड़ के फंड रेज की बात चल रही है, जो कि एज लाइक ऑफशोर लोन फ्रॉम जापान से लिया जाएगा। और इस फंड का यूज IRFC करेगी ग्रीन इनिशिएटिव करने के लिए इंडियन रेलवेज में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्स बनाएंगी और साथ में एडिशनल इलेक्ट्रिक लोकोस को बनाने के लिए ये फंड की यूज की जाएगी। पर्सनली अगर इस स्टॉक के बारे में कहें तो बिल्कुल ये स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं है। लगभग 45-50% के आसपास का इस स्टॉक में डिलीवरी बाइंग होते हुए दिख रही है। और ऑफ कोर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये एक शानदार बेट है, जहां लगभग ये कंपनी डेट फ्री है और कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो श्योरली इस स्टॉक का एक बाइंग रेटिंग फ्रॉम माय साइड लगभग 21.50 रुपया के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो इस स्टॉक में 19 रुपये के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा करके 30+ के टारगेट के लिए विद इन 6 मंथ के लिए बाइंग किया जा सकता है। और अगले 3 साल में इस स्टॉक के टारगेट की बात करें तो लगभग 100+ तक के टारगेट को ये स्टॉक अचीव करने का दमखम रखता है। तो श्योरली लॉन्ग टर्म बेट से आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं।